नज़ीर खुम के मुकाम पर ताजदार कायनात ने, अगर आप तवज्जो करें इन अल्फाज पर, तो तीन विलायतों का ऐलान किया। इस हदीस के मजमून में कितनी विलायतें मजकूर हैं? तीन। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, ए अल्लाह तू उसका वली बन जो इसको वली माने। तो एक विलायत इलाही, अल्लाह वली है। सबसे पहली विलायत किसकी? ऊंचा बोलिए, सबसे पहली विलायत अल्लाह की, अल्लाह वली जुल मोमिनीन। दूसरा फरमाया मन कुन तो मौला हो, जिसका मैं वली हूं। यह दूसरी विलायत, विलायत मुहम्मदी। पहली विलायत विलायत इलाहिया, दूसरी विलायत विलायत मुहम्मदी, और तीसरी फहाजा अली जन मौला हो, उसका अली वली है। तीसरी विलायत विलायत अली है, और तीनों को जोड़ा और तीनों को जोड़ा इस तर्ज से, इस उसलूब से, देखे ना शुरू होती है, इस उसलूब से जोड़ा कि जो विलायत अली का मुनकर है वो विलायत मुहम्मदी का मुनकर है, जो विलायत मुहम्मदी का मुनकर है वो विलायत खुदा का मुनकर है, जो विलायत मुर्तजा का मुनकर है, जो विलायत मुर्तजा का मुनकर है वो विलायत मुस्तफा का मुनकर है, और जो विलायत मुस्तफा का मुनकर है वो विलायत खुदा का मुनकर है। अब पता चला कि विलायत मुस्तफा भी अली से और विलायत खुदा भी अली से। सो जिसने मुस्तफा की बारगाह तक जाना है अली से जाए, जिसने खुदा तक पहुंचना है अली के दर से जाए। अली के बगैर न मुस्तफा मिलता है न खुदा मिलता है। और